नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का अलर्ट। आईबी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। 15 फरवरी तक दिल्ली हुआ नो ड्रोन जोन। गाजीपुर में धमाके के बाद राजधानी में सुरक्षा कड़ी। एक महीने में खरीदे गए सिम कार्ड और नए मोबाइल फोन से संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली की सदर बाजार में फिर उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ रही धज्जियां। व्यापारियों ने कोरोना के फैलने का जताया डर। दिल्ली में अभी शीतलहर से राहत नहीं, जारी रहेगा सर्दी का कहर। आईएमडी ने बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली में शादीशुदा शख्स को प्रेमिका से बात करना पड़ा महंगा। बहन और मां के भड़काने पर प्रेमिका के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली पर आतंकी हमले की आशंका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी के आसपास और भीतर सुरक्षा कड़ी कर दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी हमले के बादल मंडरा रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, आईबी ने अलर्ट जारी कर दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है, जिसके बाद दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी को 20 जनवरी से एंटी ड्रोन क्षेत्र घोषित किया है। इसके तहत दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, यूएवी, छोटा माइक्रो एयरक्राफ्ट, एयर बैलून पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि दिल्ली में एंटी ड्रोन व्यवस्था 15 फरवरी तक लागू रहेगी। दरअसल ड्रोन हमले की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने सावधानी बरतते हुए हवा में उड़ने वाली चीजों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम के सक्रिय रहने के साथ ही बॉर्डर क्षेत्र पर गश्त के साथ जांच बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इंडिया गेट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मोबाइल पुलिस कंट्रोल रूम वैन का भी सुरक्षा व्यवस्था में प्रयोग किया जा रहा है। संदिग्धों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आईपी ने अलर्ट में कहा है कि मार्च 2021 को मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत में बड़े नेताओं VVIP को टारगेट करने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने इस्लामिक आतंकियों के साथ नया गठजोड़ भी बनाया है और ये सब कुछ ISI ने किया है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। गृह मंत्रालय के जरिए भेजे गए आईबी अलर्ट में कुछ 32 पॉइंट पर SOPs, जवाबी उपायों और भारत में एक्टिव आतंकवादी संगठनों के बारे में बताया गया है। आईबी का दावा है कि आतंकी पाकिस्तान से विस्फोट भारत ला चुके हैं। गाजीपुर मंडी में मिली IED उसी का हिस्सा था। जिस तरह जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया था, उसी तर्ज पर आतंकी ड्रोन से भी हमला कर सकते हैं। ड्रोन से परेड रूट या उसके आगे पीछे हमला करने की बात कही जा रही है। इस खबर के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और दिल्ली की सुरक्षा की तैयारियों में जुटी हुई हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। गाजीपुर मंडी में बरामद बम के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। एक महीने के दौरान खरीदे गए सिम कार्ड और मोबाइल फोन की जानकारी लेकर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही मंडी और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। मंडी में लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर मंडी में 14 जनवरी को आईडी बम मिलने के बाद से सुरक्षा के मद्देनजर मंडी को बंद कर दिया गया था। हालांकि 3 से 4 दिन बाद बाजार को बंद रखने के बाद अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि यहां भारी संख्या में लोग खरीदारी करने आते थे, लेकिन बम मिलने के बाद मार्केट में भीड़ बहुत कम हो गई है। व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। थोक व्यापारियों से छोटे विक्रेता व रिक्शा पर सब्जी ढुलाई करने वालों की कमाई पर खासा असर पड़ा है। जानकारी ये थी, यहाँ पे बम का प्रयोग हुआ था। अच्छा। और इसी डर के मारे मंडी 3-4 दिन बंद रही। अच्छा। और आज ही खुली है।
तो आज कैसे मतलब भीड़भाड़ है अंदर, व्यापारी आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अभी तो व्यापारी कम हो गए, डर के मारे कुछ व्यापारी कम हो गए। अच्छा, धीरे धीरे फिर आएंगे। तो मतलब कैसा असर पड़ा आपके व्यापार पर कहें तो? व्यापार पर असर तो भारी है सर, क्योंकि डर के मारे बहुत आदमी नहीं आ रहे हैं अभी मंडी। बता दें कि गाजीपुर बम कांड के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। वहीं गाजीपुर के आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की भी चेतावनी दी गई है। बम मिलने के बाद उसको डिफ्यूज किया गया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर फूल मंडी को जो है बंद कर दिया गया था। आज पांचवा दिन है, पांचवें दिन आज फूल मंडी को लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इक्का दुक्का लोगों के अलावा आपको कोई लोग यहाँ पर नहीं दिखेंगे। हालांकि आज ये पहला दिन है जब मंडी को खोला गया वो बम मिलने के बाद। इसके बाद जो है हो सकता है धीरे धीरे लोगों की आवाजाही यहाँ पर बढ़े और लोग बाग जो है अपना व्यापार करने यहाँ आए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र अभी भी फूल मंडी पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से वो सामना कर सके और लोगों के लिए जो है यहाँ पर एक सुरक्षा का माहौल पैदा कर सके। वहीं मैं बता दूँ, अभी इसके बाद ही जो है एक टेलीग्राम चैट मैसेज वायरल हुआ है। बताया गया कि उसमें जो है मुजाहिदीन गजवत उल हिंद ने इस पूरे बम कांड की जिम्मेदारी लेते हुए एक थ्रेट दी थी दिल्ली पुलिस को, यानी कि दिल्ली की सुरक्षा एजेंसी को खुली चेतावनी दी थी कि ये बम जो है एक किसी तकनीकी कारण के तहत नहीं फट पाया, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सचिन बिरला की रिपोर्ट। राजधानी में कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम हो गया है, इसके बाद सदर बाजार में लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग बाजार में जुट रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों को डर है कि फिर से कोरोना न फैलने लगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू हैं, जिसका असर दिख भी रहा है। तेजी से कोरोना के मरीजों में कमी आई है, लेकिन इस बीच एक बार फिर पुराने दिल्ली के सदर बाजार की ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बाजार में भारी भीड़ है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, वहीं कई लोग बगैर मास्क नजर आ रहे हैं। अगर बाजारों में यही हाल रहा तो एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है। हमने DM साहिबा को कहा कि सिविल डिफेंस के लोग लगाओ, और चार डिफेंस के लोग खड़े हो जाते हैं बारडी चौक पर। उनका काम पट्टी नहीं हटवाते, उनका काम है दुकानदार की दुकान अगर शटर ऊपर हो गया तो 2,000 रुपया चलान करेंगे, SDM साहब आएंगे 10,000 का चलान करेंगे, लेकिन वो दुकानदार का होगा, किसी पटरी वाले का नहीं होगा। पटरी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिर क्यों व्यापारी आज इतना परेशान, और ये जो झलदे वगैरह देता है वो तभी देता है कि उसकी रोजी रोटी पे तो गवर्नमेंट लात मार रही है, लेकिन पटरी वाले जो हैं, हम चाहते हैं कि पटरी वालों की रोजी रोटी का ध्यान रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। गवर्नमेंट को चाहिए पटरी वालों को, रामलीला ग्राउंड बने हुए हैं, सारे हॉल खाली पड़े हैं, वहाँ पे पट्टी दे, और उनका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन सब एक ही जगह अगर कूड़े के ढेर पे इकट्ठे हो जाएंगे तो बीमारी फैलेगी। बाजारों में बढ़ती भीड़ को लेकर व्यापारियों का कहना है कि इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन दोषी है, प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि रेहड़ी पटरी की वजह से बाजार में भीड़ है, जिनके लिए अलग से रणनीति बनाने की जरूरत है। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आपको भीड़ लग रही है ना, आप एक दिन के लिए पटरी बंद करवा दो, पटरी बंद कराओ, उसके बाद हमसे बात करो कि भीड़ है कि नहीं है। भीड़ सिर्फ पटरी की है और कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं, दुकानदार सब खाली बैठे हुए हैं। दुकानदार पे एक भी, मैं कह रहा हूँ एक भी पब्लिक आप दिखा दो दुकान पे कोई ग्राहक खड़ा हो, हमारा पटरी के ऊपर रश है। अभी आप अंदर मार्केटों में हो क्या आए हो, मार्केट के अंदर कोई रश है? बार ही बार रश है, कारण क्या है? आप ये देखिए जिस प्रकार ये सरकार, आज ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर वो पैसे इकट्ठे करने मिल जाएगा, बाकी कोई ट्रैफिक को चलाते हुए नहीं मिलेगा। इस प्रकार की यहाँ दिखते हैं, कोई यहाँ पर वैसे व्यापारियों का नहीं है। और दूसरी बात है जो पटरी की है, पटरी से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं सरकार इनके लिए भी नीति बनाए, इनके लिए कोई जगह दुकान खोलने पे जिसमें मतलब नियमों का पालन नहीं होता, उसके 5,000 चालान किए गए, दुकानें सील की गई, लेकिन यहाँ पे बाजार में तो कुछ नहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा। अंदर दुकानों की करते हैं ना, अंदर दुकानों की करते हैं, वही तो चक्कर है, वही तो हम वही वही हम कह रहे हैं, वही हम बार बार कह रहे हैं कि व्यापारी के ऊपर पूरी गाज गिरती है, पर बाहर कोई भी कार्रवाई नहीं होती।
कोरोना के मामले कुछ दिन से भला ही कम होने लगे हैं, लेकिन जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है वो एक बार फिर से स्थिति डराने वाली है। अगर बाजारों में इस तरह से भीड़ उमड़ती रही तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से संक्रमण के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है, ऐसे में मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, इसके बाद सर्दी और बढ़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। राजधानी में लगातार छठा दिन ठंडा दर्ज किया गया। फिलहाल दिल्ली एनसीआर वालों को ठंड के कहर से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो मैदानी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाता है तो दिन ठंडा माना जाता है। इसके साथ ही 13 जनवरी के बाद से तापमान में कमी आई है। वहीं आज सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। ऐसे में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। वहीं 21 और 22 जनवरी को मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में और ज्यादा कमी आएगी और साथ ही दिल्ली और एनसीआर में रात की जगह दिन में ज्यादा ठंडा महसूस किया जाएगा। दौदी के पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर का कहर आगे भी जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार से रविवार तक बारिश होने का अनुमान है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं 23 जनवरी तक पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में 21 से 23 जनवरी तक अच्छी खासी बारिश होगी। फिलहाल दिल्ली वालों को ठंड के कहर से राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। एक शादीशुदा युवक को प्रेम करना बहुत महंगा पड़ा। वह अपनी प्रेमिका से बात करता था, इस बात से प्रेमिका के भाई और बहन नाराज होते थे। बहन और माँ के कहने पर प्रेमिका के भाई ने उस युवक की हत्या कर दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक शादीशुदा शख्स को प्रेमिका के घर के पास खड़े होकर उससे बातें करना महंगा पड़ गया। प्रेमिका की बहन ने दोनों को बातें करते हुए देख लिया और चिल्लाकर अपने भाई को बुला लिया। बहन व माँ ने युवक से कहा कि आज अपनी बहन के प्रेमी का खेल खत्म कर दे। इसके बाद युवक ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी साथियों के साथ भाग गया। गंभीर हालत में परिवार ने सलमान को LBS अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की काफी टाइम से ही है ना, जो हमारे भाई के पीछे पड़ी हुई थी, काफी 4-5 साल से शादी करना चाह रहे थे हमारे भाई से। हमारे भाई ने रिस्पांस नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो उस रंजिश में उसने आकर के हमारे भाई का 3 लड़कों के साथ मिल गया, अपनी छोटी बहन फरीना और उसका भाई है अड्डू, समीर, अब्बास, ये सब 4 लड़के हैं सर, इनके साथ मिलके उन्होंने कल हमारे भाई को पहले मारा। उन्होंने 3 लड़कों ने मिलके मारने के बाद सर उस वक्त जब उसका सर फूट गया, वो घर भागा बचाव के लिए अपने, तो सर उसे घर में से खींच के ला करके उसके चाकू मार दिया सर। इतना क्या उनके कोई पहले से कोई रिलेशन था या सर? वो वन साइड लव था उनका, वन साइड लव था। रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उस रंजिश में आगे शादी हो गई हमारे भाई की, हमने शादी कर दी, ठीक है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 2, अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसकी शादी हो गई, अब मुझे अपना ही नहीं। वो अभी ये चाह रहा है कि यूं कह रही है परसों भी कल रात भी कि तू उसे तलाक दे दे, मुझे रख ले। पुलिस के अनुसार सलमान अपने परिवार के साथ 20 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में रहकर पुताई का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने 2 महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और 2 महिला अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वो फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सचिन बिरलान की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।